हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। राधे राधे। आज मैं साबूदाने के कटलेट बनाने जा रही हूँ। उसको बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सब ये हैं। ये मैंने चार उबले हुए आलू लिए हैं, एक कटोरी साबूदाना जो कि 1 घंटे पहले भिगो दिया था, थोड़ी से मूंगफली के दाने मैंने दरदरे करके पीस लिए हैं, थोड़ा सा मटर जिसको भी मैंने थोड़ा सा दरदरा करके पीस लिया है, नमक, हर धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आलू को फोड़ लेती हूँ। अब इसमें मैं साबूदाना डाल रही हूँ, मूंगफली के दाना। इसको आप व्रत में भी बना सकते हैं। अगर व्रत में बनाते हैं तो आप ये मटर को स्किप भी कर सकते हैं। लाल मिर्च, हरी मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सब सामान ये मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके कटलेट बनाना शुरू करती हूँ। फ्राई भी कर सकते हैं, सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसको डीप फ्राई करने जा रही हूँ। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।